हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ये होनर 9 लाइट है, होनर 9 लाइट है। इसका जो प्रॉब्लम है वो टच इसका ऑटो वर्क कर रहा है। ऑटो वर्क मतलब आपकी अगर डिस्प्ले 100% अगर सही है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, डिस्प्ले में कोई डॉट वगैरह का दबा वगैरह नहीं है, तो आप डिस्प्ले यही रख सकते हैं और टच चेंज कर सकते हैं। तो ये कौन सी मशीन से चेंज होती है टच, और कितना खर्चा आता है इसके अंदर, कैसे चेंज होती है, अगर आप कभी टच टूट जाए या आपकी डिस्प्ले ओके हो तो उसमें कितना खर्चा आता है, और कैसे इसको रिपेयर कर सकते हैं, तो पूरा वीडियो स्किप कहीं पे भी मत करना। आप हमारे वीडियो में बहुत कुछ सीख सकते हैं। सेकेंड हैंड मोबाइल का भी हमारा काम है, तो सेकेंड हैंड मोबाइल 2000 से लेकर 10000 रुपये तक कौन कौन से मोबाइल है, आप किस रेट में खरीद सकते हैं सेकेंड हैंड मोबाइल, वो भी सारा कुछ हमारे चैनल पर है, तो वीडियो पे बने रहें। ये देखो, चलिए इसको शुरू करते हैं और इसको कैसे रिपेयर करते हैं, कौन कौन सी मशीनें काम में आती है, कितना खर्चा आता है, सब कुछ बताएंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो मशीन होती है ये सेपरेटर मशीन बोलते हैं। ये कोई काम नहीं करती है, सिर्फ यही काम करती है कि ये हीट देती है, जिसे गर्म होने का काम करती है। तो हम मोबाइल को 90-99 डिग्री पे इसको रखेंगे और इसको गर्म कर देंगे। गर्म करने से क्या होता है कि जो इसका अंदर का जो ग्लू होता है ना, वो ग्लू क्या होता है कि मतलब गर्म हो जाता है, उससे वो छोड़ देता है अपनी जगह। और अपने को बेक पैनल बाहर निकालना है सबसे पहले इसका, क्योंकि जो होनर 9 लाइट होता है उसका ये बेक पैनल खुलता है। किसी किसी मोबाइल के पूरे ढक्कन भी खुलते हैं। आपको कोई मोबाइल समझ में नहीं आता तो एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लिया करो, हाउ टू ओपन, जो भी आपका मॉडल नंबर वगैरह लिखा हुआ है ना, वो एक बार देख लिया करो। और वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल की स्किप मत करना। क्यों नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको एक्चुअल रेट बताऊंगा, क्योंकि जो टच की क्या रेट होती है, कॉम्बो की क्या रेट होती है, इसको किस तरह से ओपन कर सकते हैं, और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हिंदी में ऐसा कोई भी चैनल नहीं है अपने यूट्यूब में पूरे इंडिया के अंदर जो आपको इस तरीके से अच्छी तरीके से सिखाए। आपको फास्ट फास्ट वीडियो करके और 3-4 मिनट में ख़त्म कर देते हैं वीडियो, और ये सिखा दिया वो सिखा दिया, ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है अपने जो पूरा आपको इतनी अच्छी तरीके से सिखाए। और वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आगे आपको मिलती रहेगी बहुत। और सेकेंड हैंड मोबाइल का भी हमारा काम है, तो आप बिजनेस करना चाहते हैं सेकेंड हैंड मोबाइल का, उसकी भी जानकारी आएगी आगे। चलिए इसको ओपन करते हैं। हमने बैक पैनल खोल लिया, जैसा कि आपने देखा एक्सरे वगैरह पत्ता होता है ना, जिसका एक्सरे का कोई भी वो टुकड़ा, उससे अपन चारों तरफ से इसको खोलते हैं। सबसे पहले फिंगरप्रिंट का ध्यान रखना है, क्योंकि जब ढक्कन खोलते हैं ना तो फिंगरप्रिंट का पत्ता नीचे लगा हुआ था, तो अपन जोर से खींचते हैं तो सबसे पहले ज़्यादातर जो गलती होती है ना, वो ये फिंगरप्रिंट का पत्ता टूटता है, सबसे पहले यही गलती होती है। हमने फिंगरप्रिंट बाहर निकाल लिया इसका। अब इसकी बैटरी बाहर निकालेंगे, क्योंकि जो डिस्प्ले का पत्ता होता है ना, कई सैमसंग वगैरह कई मॉडल होते हैं जो ऊपर ही आता है, उनकी बैटरी बाहर नहीं निकालनी पड़ती है, लेकिन अपना ये होनर का मोबाइल है जिसका तरीका जो होता है ना वो लगभग सेम ही होता है, थोड़ा बहुत 19-20 चेंज होता है। ये हमने इसकी बैटरी बाहर निकाल ली है। अब क्या करेंगे कि ये डिस्प्ले का जो पत्ता होता है ना, ये बाहर निकालेंगे। चलिए, हमने ये भी बाहर निकाल लिया है। अब हम इस मोबाइल को गर्म करेंगे। इसकी सबसे पहले इसका पूरा कॉम्बो हमें बाहर निकालना है, ये वापस से सेपरेटर मशीन का हमें जरूरत पड़ेगा। और ये रबड़ होता है, इसका अपन बाद में बताएंगे क्या काम आएगा। ये जो मशीन होती है इसे सेपरेटर मशीन बोलते हैं, और इसका जो टेम्परेचर है वो 90-99 डिग्री तक रखना होता है। और ये जो इसका बटन होता है, ये इसको मोबाइल को हिलने नहीं देता है, इधर से उधर पकड़ के रखता है, अंदर की तरफ खींचता है मोबाइल को। तो इस पे हम थोड़ी देर इसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद क्या होगा कि जो डिस्प्ले में जो ग्लू लगा हुआ होता है ना, अपन ने जैसे बैक पैनल उतारा था उसी वजह से यहाँ पे ये ग्लू लगा हुआ है,
ये डिस्प्ले के चारों तरफ चिपका हुआ होता है, तो वो क्या थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देगा। जगह छोड़ने के कारण डिस्प्ले हम अलग करेंगे उसकी। तो इसको 3 से 4 मिनट तक इसको गर्म करेंगे। आराम से दिखा देता हूँ आपको, ये एनिमेशन ने भी बोल दिया सब्सक्राइब करो तो कर लो भैया। चलिए हम इसको गर्म कर लेते हैं थोड़ी देर। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा आपका, लेकिन इसको ध्यान से सुने और पूरा देखें, बहुत मजा आने वाला है आपको और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप वैसे ही खराब कर देते हो 15-20 मिनट किसी कॉमेडी में इधर उधर देखने के चक्कर में, तो ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को। आपके घर में अभी कोई मोबाइल होगा वो टूट जाएगा, क्या खर्चा आता है, कितना खर्चा आता है, कैसे मोबाइल रिपेयर होता है, तो ये सब आपको पता रहता है। तो इस वजह से वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए ये गर्म हो गया है मोबाइल, तो अब इसका सबसे पहले हम कॉम्बो अलग करेंगे। कॉम्बो उसी को बोलते हैं जो टच और डिस्प्ले दोनों होती हैं, उसको कॉम्बो बोलते हैं। तो सबसे पहले ये जहाँ थोड़ा सा गर्म हुआ हुआ है ना, वहाँ पे ये एक्सरे का पत्ता होता है वो थोड़ा सा अंदर डालना होता है, फिर उसको चारों तरफ हम घुमाएंगे ना, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा डिस्प्ले कहीं टूट तो नहीं गया है। नहीं टूटा है, कॉम्बो हमारा ओके है। और ज़्यादा ठंडा होने के बाद बार बार 2-3 बार गर्म कर लें, क्योंकि ज़्यादा ठंडा एक बार ऐसा नहीं है कि हमने एक बार गर्म कर लिया तो एक ही बार में पूरा उतर जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर से डिस्प्ले का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि उतारते टाइम सबसे ज़्यादा रिस्क होती है कि हमारी डिस्प्ले कहीं टूट ना जाए। अगर डिस्प्ले टूट जाएगी तो फिर नया कॉम्बो डालना पड़ेगा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहता है, हमारी मशीनों का भी कोई मतलब नहीं रहेगा, कॉम्बो कैसे बनाते हैं उसका भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जो भी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं या रिपेयरिंग करते हैं वो ये कॉम्बो बनाने से ज़्यादा यही होता है कि मोबाइल को अच्छी तरीके से खोलना और मोबाइल का जो कॉम्बो अलग करना, ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है, क्योंकि इसमें नुकसान होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। आराम से काम करें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। समझ में नहीं आ रहा है, अगर इसको ज़्यादा जोर लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमने रबड़ इसका अलग ले लिया क्योंकि ये थोड़ा कम गर्म हो रहा था, और इसको ज़्यादा भी गर्म ना करें। अगर अपन ज़्यादा गर्म करते हैं तो डॉट वगैरह आ जाते हैं डिस्प्ले के अंदर, डिस्प्ले भी ख़राब हो सकती है, तो इसको बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं करना है। 2 से 3 मिनट गर्म करके एक बारी ये पत्ता घुमा लें, अगर ना घूम रहा है, अगर और भी हार्ड हो रहा है, मेरा हाथ जल गया थोड़ा सा, ये बहुत गर्म होता है, एक तरीके का हीटर है ये। चलिए मैं डिस्प्ले खोलता हूँ, तब तक आप चार बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को तो राजनीति नहीं करनी है। चलिए इसको ओपन करते हैं। इसका सबसे पहले एक कॉर्नर वाला भाग जो होता है उसको ओपन करें। उसको ओपन करने के बाद ये देखो थोड़ी सी डिस्प्ले ऊपर कर लें। डिस्प्ले ऊपर करने के बाद ये जो पेपर होता है, आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, इस पेपर की कोई ज़रूरी नहीं है। इसको अंदर डालें और इधर ऊपर और नीचे दोनों तरफ इसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का घुमाएं। ये पहले से डिस्प्ले चेंज की हुई है, इसलिए क्या है कि इसका ग्लू है ना जो, वो चिपक गया है इसके ऊपर। आराम से खोलें, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी में आप डिस्प्ले टूट जाएगी आपकी और ये नुकसान हो जाएगा, तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। चलिए ओपन करते हैं हम इसको। ये हमने डिस्प्ले अलग कर ली है इससे। ये
ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये टच का जो पत्ता आता है ना, उस पत्ते को सबसे पहले आपको अलग करना है। डिस्प्ले के ऊपर ये टच का पत्ता था, कई कई में सिर्फ ग्लास ही होता है, टच होती है वो डिस्प्ले के साथ में आती है, लेकिन इस होनर के अंदर पूरी टच लगती है। उतारने के बाद एक बारी चेक कर लेते हैं कि हमारी डिस्प्ले सही है या नहीं है, कहीं टूटी वूटी तो नहीं है। ये देखो डिस्प्ले 100% ओके उतारी हमने। ये थोड़ा सा वो पीला पीला कलर आ रहा है, वो टच जब उतारेंगे तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। चलिए बैटरी हमने वापस निकाल ली है। ये पूरा मोबाइल है जो खोला है, बैक पैनल है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप के अंदर आप शेयर कीजिए, ताकि और भी, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड ज़्यादा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई और बंदा होगा जो काम सीखना चाहता होगा, या किसी का मोबाइल टूटा हुआ होगा आपके दोस्तों का, इसकी टच की क्या रेट आती है वो भी मैं बताऊँगा आपको, कॉम्बो की क्या रेट आती है, दोनों की रेट मैं बताऊँगा आपको, तो वीडियो में बने रहें। चलिए इसको वापस सेपरेटर को ऑन करते हैं और अब टच और डिस्प्ले दोनों को अलग करेंगे। ये जो टच का पत्ता वाला लगा हुआ होता है, सबसे पहले इसको निकाल लें। ये हमने टच का पत्ता अलग कर दिया इसका। ये वायर आता है 0.4 का वायर काम में लेना है, 0.3 का आता है, 0.56 का भी आता है। तो 0.3 का आता है वो थोड़ा सा ज्यादा पतला आता है, 4 का आता है थोड़ा सा। और कमेंट करें अगर आपका कोई भी मोबाइल टूटा हुआ है और आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करें, आपको 100% रिप्लाई दिया जाएगा। ये हमने टच अलग कर लिए वायर से। ये ग्लू रिमूवर मशीन आती है, ये ज़्यादा महंगी नहीं आती है, 800-900 रुपए की आती है। कई भाई अपने हाथ से करते हैं तो उसमें डिस्प्ले में डॉट वगैरह ज़्यादा आता है। एक बारी चेक करते हैं, हमने ये ग्लू उतार लिया है इसका। ये देखो डिस्प्ले में आपको ब्लैक डॉट दिख रहा होगा, ये उतारते टाइम आता है और ये मशीन के अंदर चला जाएगा, हम इसको भी बताएंगे आपको। चलिए डिस्प्ले को अच्छी तरीके से साफ करते हैं। मैं पेड़ लेके आता हूं एक। चलिए साफ रुमाल ले लें। ये डिस्प्ले साफ करने के लिए बाजार में अलग से रुमाल मिलते हैं, 100-150 रुपए में काफी आ जाते हैं। और ये ग्लू रिमूवर आता है, इससे जो भी डिस्प्ले के ऊपर ग्लू वगैरह लगा हुआ होता है अच्छी तरीके से इसको साफ करें। आप साफ अच्छी तरीके से नहीं करेंगे तो इसके अंदर बबल्स रह जाएंगे जो बाद में अच्छे नहीं दिखते। बहुत बढ़िया तरीके से साफ करें इसको, और इसको डिस्प्ले के ऊपर ज़्यादा ना डालें, नहीं तो क्या होगा कि डिस्प्ले के अंदर जैसे अपने पानी में गिरी हुई डिस्प्ले होती है ना, अगर ये नीचे चला जाएगा तो वैसे डॉट्स दिखेंगे आपको, धब्बे दिखेंगे। साफ रुमाल लेके अच्छी तरीके से इसको साफ करें। कई बारी क्या होता है कि डिस्प्ले जब हम खोलते हैं ना तो उसके अंदर भी, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर छोटे 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 ये ग्लू के चले जाते हैं, तो इसको एक बारी साफ कर लें, क्योंकि ये अपन पहले ध्यान नहीं देते हैं इसका, और बाद में क्या होता है कि मतलब जब हम डिस्प्ले पूरा फोन फिटिंग कर देते हैं ना तो उसके अंदर छोटे छोटे ब्लैक डॉट दिखाई देते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का पहले ही ध्यान रखें।
ये हमने डिस्प्ले को अच्छी तरीके से साफ कर लिया है। अब हम इसके ऊपर डिस्प्ले और टच के बीच में जो पन्नी आती है वो लगाएंगे। अब इसमें वो क्या ग्लू होता है ना, वो चिपकाने का काम करता है, डिस्प्ले और टच को बीच में से चिपकाने का काम करता है। अब हम लगाएंगे उसको, रोलर आता है, रोलर की सहायता से, मैं एक मिनट रोलर ले लेता हूँ, उसकी सहायता से इसको अच्छी तरीके से चिपकाएंगे। ये देखो, इसके ऊपर बिल्कुल भी डस्ट नहीं रहनी चाहिए, जितना हो सके साफ कर लें। सबसे पहले एक इसकी ऊपर वाली पन्नी उतार लें। डस्ट आ ही जाती है, बार बार डस्ट आ जाती है। चलिए हम इसको लगाते हैं रोलर की सहायता से, थोड़ी उधर जगह छोड़ दें, थोड़ी इधर जगह छोड़ दें और आराम से रोलर को घुमा दें। ये देखो कितनी अच्छी तरीके से लगी है। अगर थोड़ा भी इसमें बबल्स ज़्यादा रह जाते हैं तो वो मशीन में नहीं निकलते हैं, थोड़े बहुत होते हैं वो मशीन में निकल जाते हैं। अब कटर या ब्लेड की सहायता से इसको चारों तरफ से जो ज़्यादा पन्नी लगी है इसको काट देंगे। इसको ओसी पन्नी बोलते हैं, इसको काटेंगे हम ब्लेड की सहायता से, जो ज्यादा है इधर और इधर। इसको काट लेते हैं। ये Realme 3 का पूरा रिफर्बिश करके हमने नया मोबाइल बनाया है कॉम्बो वगैरह लगा के, तो एक बार वीडियो जरूर जाके देखिएगा, अपने चैनल पर है। और जो अभी नया मोबाइल आया है 23 और 23 प्रो वीवो का, तो उसका भी हमने कौन सा मोबाइल बेस्ट है वो भी हमने बताया, तो जाके एक बार वीडियो जरूर देखिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा है। चलिए हम डिस्प्ले को इसके ऊपर टच लगाते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले इस फ्रेम के अंदर डाल लेते हैं, और ये हमने बाजार में से जो नई टच लेके आए हैं, ये देखो इसके नीचे एक पन्नी आती है, सबसे पहले इस पन्नी को उतार लेंगे। और जो हमने ओसी पेपर लगाए हैं इसके ऊपर भी एक पन्नी आती है, तो सबसे पहले इसको अलग कर लेना है। जो डिस्प्ले के पीछे पन्नी लगी हुई है उस पर हाथ वगैरह कुछ भी ना लगाएं और आराम से इसको देखें, आराम से कैमरा वगैरह मिलान करके आराम से इसको ऊपर रख दें हल्का सा, बस और कुछ भी नहीं करना है आपको। रखने के बाद इसको कॉम्बो को डिस्प्ले को वापस निकालेंगे इसके ऊपर से। ये इसके ऊपर रख के इसीलिए लगाते हैं कि बराबर टच चिपक जाए, अपन हाथ से लगाएंगे थोड़ी इधर उधर लग गई तो इसमें वापस उतारने में उतना ही टाइम लगता है जितना कि पहले लगा था। चलिए अब मशीन का काम होता है। देखिए आप, मतलब 70-80% जो होता है पूरा हाथ का काम होता है। और सब्सक्राइब करके रखे चैनल को, और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको मिलती रहेगी। ये मशीन है जो पंचिंग मशीन बोलते हैं इसको, अलग अलग तरह की आती है, काफ़ी कंपनी की मशीन आती है, और ये 40-45 हज़ार से शुरू होकर 1.5 लाख रुपए तक आती है। कैसे पंचिंग होता है देखिए आप। इसका काम मशीन का बस इतना सा होता है कि जो टच होती है और डिस्प्ले होती है, हमने बीच में जो ओसी पन्नी लगाई है उसको बराबर चिपका दें, बस अपन हाथ से प्रेस करते हैं ना, ये सिर्फ प्रेस करती है नीचे, बस और कुछ नहीं करती है। ये देखो आपने देखा होगा प्रेस कर दिया है। अब जो इसके अंदर बबल रह गए ना, ये आपको दिख रहे होंगे, ये इस मशीन का काम है, इसको बबल रिमूवर बोलते हैं।
इसके अंदर रख देंगे हम और इस मशीन को ऑन कर देंगे। ऑन कर दिया हमने इसको, 5 से 10 मिनट में निकल जाते हैं बबल, लेकिन अपना जो ब्लैक डॉट रह गया था ना, वो डॉट निकालने के लिए हम इसको थोड़ा ज़्यादा रखें, इसको 32 मिनट तक आप देख सकते हैं हमने रखा है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप के अंदर शेयर करें, ताकि आपको इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन किसी और बंदे को आपकी वजह से कुछ ना कुछ हेल्प होगी। जो भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करोगे तो ही हमें पता चलेगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है। और जो लाइक एम है वो सिर्फ और सिर्फ 500 लाइक्स का रखा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करके रखें। ये हमारा कॉम्बो बन के रेडी हुआ है, तो चलिए चेक करते हैं एक बारी। बैटरी लगा लिए, चलिए सेट को ऑन करते हैं। ये देखो इतने सारे डॉट थे छोटे छोटे, सब चले गए, ये छोटा सा डॉट है ये रह गया है। तो हम एक बारी पूरा मोबाइल रेडी होने के बाद पूरे मोबाइल को उसमें मशीन में वापस रखेंगे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पूरा मोबाइल रेडी होने के बाद मशीन में वापस रखेंगे, बबल रिमूवर मशीन में वापस रखेंगे इसको। चलिए इसको फ्रेम को साफ करके एक बारी कॉम्बो को चिपका देते हैं। वापस ये हमने ग्लू रिमूवर वाली छोटी वाली मशीन काम में ली है और फ्रेम को अच्छी तरीके से साफ करें। अगर हम ये अच्छी तरीके से साफ नहीं करते तो कई बारी आपने कॉम्बो लगवाया होगा कहीं से, तो साइड से जो लाइट दिखती है ना, वो इसी वजह से दिखती है। कॉम्बो कहीं से ऊपर रह जाता है तो लाइट दिखती है, वो इसी वजह से दिखती है कि फ्रेम अच्छी तरीके से अगर साफ नहीं की हुई होगी तो लाइट दिखेगी, तो मतलब फिनिशिंग नहीं आएगी इतनी अच्छी तरीके से। और हम अच्छी तरीके से साफ करेंगे तो फिनिशिंग आएगी बहुत ही बढ़िया तरीके से, पता भी नहीं चलेगा कि हमने कॉम्बो नया लगा रखा है या नहीं लगा रखा है। इस काम में ज़्यादा जितना ज़्यादा आपका हाथ साफ होगा उतना ही बढ़िया रहेगा, और जितना ज़्यादा ध्यान रखोगे आप उतना ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि नुकसान होने का भी खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। चलिए मैं आपको टच की रेट बता देता हूँ। ये जो मार्केट से टच आई है ये 2022 का वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, उस समय की मैं बता रहा हूँ। ये 170 रुपये की टच आई है, और जो ओसी पन्नी होती है बीच वाली वो 20 से 25 रुपए की आती है। और सब टच की रेट एक नहीं आती है, किसी की 250 रुपये आती है, किसी की 100 रुपये। और जो ग्लास होते हैं ना, कई मोबाइल में अभी वीवो में वगैरह काफ़ी मॉडल हैं, तो उनमें ऊपर वाला ग्लास होता है वो 100 रुपये के लगभग आता है। और जो मार्केट में टच लगाने की जो रेट है वो 400 से 800 रुपये है। एक मोबाइल रिपेयर करने में 400-500 रुपये बन जाते हैं आराम से। तो आप भी मोबाइल रिपेयरिंग अगर सीखना चाहते हो तो चैनल पर बने रहें। ये हमने फ्रेम साफ कर रहे हैं अच्छी तरीके से इसकी। फ्रेम साफ करने के बाद जो हमने कॉम्बो रेडी किया है वो कॉम्बो वापस लगाएंगे उसके ऊपर, और 1-2 घंटे के लिए उसको छोड़ देंगे, तो क्या है कि वो कॉम्बो अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। ये ट्यूब आती है, एक ब्लैक ट्यूब आती है, एक अपने दूसरे कलर की आती है पानी कलर की। ये हमने ब्लैक ट्यूब यूज कर रहे हैं, ये थोड़ी सी ज़्यादा मजबूत रहती है। इसको बहुत ज़्यादा भी ना लगाएं, ज़्यादा लगाने से आपके डिस्प्ले के अंदर भी ये जा सकती है तो ब्लैक वो डॉट दिखेगा, तो इसको चारों तरफ कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा लगाएं और जगह कहीं पे भी ना छोड़ें, चारों तरफ लगाएं। चलिए हम कॉम्बो फिटिंग करते हैं। ये हमने टच का पता लगा लिया है, और टच जहाँ भी लगती है उसके नीचे पेपर वगैरह कागज कुछ भी रख सकते हैं, उससे क्या होगा कि ये अर्थिंग नहीं होगी। और जो ऑटो टच काम करती है हमारे इस मोबाइल में, पहले भी करती थी, वो समस्या कई बार इस वजह से भी आ जाती है।
वो ट्रस्ट टूटा हुआ नहीं था अपना, फिर भी वो समस्या आ रही थी, तो ये समस्या आ सकती है, इसलिए इसके नीचे कागज वगैरह कुछ रख दें, रबड़ की सहायता से इस कॉम्बो को हम चिपकाएंगे। रबड़ लगा ले। और जो सैमसंग वगैरह के मॉडल होते हैं और उसमें जो लोकल कॉम्बो होता है उसके अंदर रबड़ कभी ना लगाएं, उसमें क्योंकि कॉम्बो बहुत ही कमज़ोर आते हैं और टच टूटने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। और अगर आपकी फ्रेम साफ अच्छी तरीके से नहीं है, नीचे कुछ रह गया है, तो भी ये कॉम्बो टूटने का चांस रहता है। तो फ्रेम को अच्छी तरीके से साफ करें और अच्छी क्वालिटी के रबड़ लें और उसको लगाएं। ये हमने चारों तरफ इसके रबड़ लगा दिए और इसको एक डेढ़ घंटे के लिए छोड़ देंगे हम। तब तक ये पूरा सूख जाएगा, जो भी हमने कॉम्बो है वो फ्रेम में चिपक जाएगा। चिपक जाने के बाद ही हम इसको वापस खोलेंगे। लगभग एक घंटा हो गया है, अब इसके हम रबड़ वापस उतारेंगे। ये हमने रबड़ उतार लिए। अब इसका बैक पैनल वगैरह फिटिंग करेंगे हम। तो सबसे पहले तो इसकी बैटरी लगाएंगे, इसका फिंगरप्रिंट लगाएंगे, इसकी पीछे भी अपने को ये कई बार मतलब कई ढक्कन होते हैं जो बीच में ये चिपकाने का काम नहीं होता है, लेकिन कई मॉडल ऐसे हैं जिनमें होता है। तो जैसा हमने आगे से फ्रेम साफ की थी वैसे ही इसको पीछे से साफ करना है। ग्लू कहीं पे भाई मतलब रहना नहीं चाहिए, जितना साफ हो सके। और कैमरे वगैरह का विशेष करके ध्यान रखें आप, क्योंकि इसके ऊपर लग जाएगा या डस्ट आ जाएगी, अपना हाथ लग जाएगा, तो कैमरे खराब होने का जो चांस रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है। अच्छी तरीके से इसको साफ करें। साफ करने के बाद अब बैक पैनल लगाएंगे इसका। वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप अगर सेकेंड हैंड मोबाइल कोई भी लेना चाहते हैं, MI, ओप्पो, वीवो, आईफोन कोई भी मोबाइल लेना चाहते हैं, तो हमारे जो शॉर्ट्स का सेक्शन है उसके अंदर देखिए बहुत सारे सेकेंड हैंड मोबाइल हैं। आप कमेंट कर सकते हैं कौन सा मोबाइल लेना चाहते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की जो लिंक है वो भी मैं डाल दूँगा, वहाँ भी जाके विजिट कर सकते हैं। अगर आप सेकेंड हैंड मोबाइल या मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करें, तो हमें पता चलेगा कि आप क्या पूछना चाहते हैं। अगर कोई वीडियो में गलती है और आपको अच्छा नहीं लगा है तो भी आप बता सकते हैं। तो एक जुड़ने का वो रहेगा कि आप कनेक्ट कर पाएंगे। इसका फिंगरप्रिंट लगाते हैं। ये देखो थोड़ी सी पन्नी उतरी हुई है, इसको काट लेते हैं, नहीं तो क्योंकि ढक्कन थोड़ा ऊपर की तरफ रहेगा, इसको भी साफ कर लेते हैं। जितना काम फिनिशिंग से होगा आराम से होगा उतना ही काम अच्छा होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन आप इस वीडियो को सीखने के नज़रिए से देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी लंबा नहीं लगेगा वीडियो, क्योंकि मैंने एक ही वीडियो के अंदर आपको टच और ये टच का जो ग्लास होता है किस तरीके से लगता है बहुत ही बारीकी के साथ। अगर मैं 2-3 या 4 मिनट में पूरा वीडियो बना देता फास्ट फास्ट करके तो आपको पता ही नहीं चलता। मैंने काफ़ी सारे YouTube पे वीडियो देखे हैं जो 2-3 मिनट में ख़त्म किए हुए हैं, 5 मिनट में ख़त्म किए हुए हैं। ये वो सोच रहे हैं कि लोग देखेंगे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसको काम सीखना होगा वो ज़रूर पूरा वीडियो वॉच करेगा। ये हमने फिंगरप्रिंट लगा दिया है, इसके जो भी स्क्रू वगैरह हैं वो वापस लगाएंगे हम इसके ऊपर, और उसी ब्लैक ट्यूब का यूज करके वापस हम इसका बैक पैनल लगाएंगे। ये हमने इसके स्क्रू लगा दिए हैं दोनों। चलिए हम इसको फिटिंग करते हैं बैक पैनल को। ये ब्लैक ट्यूब है भाई, ज़्यादा ट्यूब को ना लगाएं, क्योंकि वापस जब भी मोबाइल खोलने का काम होगा हम खोलेंगे या हमारा कोई भी मैकेनिक भाई खोलेगा
तो उसको ज़्यादा परेशानी ना हो। कई बार मैं देखता हूँ कि मतलब बहुत सारी ट्यूब लगा के उसको चिपका दिया जाता है, तो वापस जब खोलते हैं तो वो बैक पैनल टूट जाता है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी है। और जिस समय ट्यूब लगाते हैं उसी समय इसको साफ कर लें, अगर उसी समय नहीं करते हैं तो फिर वो क्या है कि अच्छी तरीके से साफ नहीं होता है। और जब भी डॉट वगैरह थोड़े बहुत रह जाएं तो उसको ग्लू ये अपने वापस बबल रिमूवर के अंदर डाल दें और उसको छोड़ दें आधे घंटे के लिए, अपने आप निकल जाएंगे। ये देखो छोटा सा ब्लैक डॉट है, इसको अपन वापस उसमें डालेंगे तो वो हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसकी। अच्छी तरीके से दो ऊपर की तरफ और तीन ये पांच रबड़ से अपना काम चल जाएगा। ये देखो प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये हमने रबड़ लगा दिए। अब हमारा मोबाइल बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, एकदम ओके। इसको सिर्फ बबल रिमूवर के अंदर रखना है। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। कंप्लीट हो चुका है और वीडियो कैसा लगा है आपको, और इसमें आपका अगर कोई कुछ भी पूछना है आपको तो जरूर जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप के अंदर शेयर कीजिए।